सुबह से राखी लेके टहल रही हूँ सुबह से, और ये चार राखी है लेकिन बनवाने वाला कोई नहीं। तो सभी बहनों से मेरा यही कहना है कि जो भाई होते हैं ना, वो खुद की लाइफ में तो बहुत कुछ करते हैं और माँ बाप भी कराते हैं। अगर फाउंडेशन है तो सिर्फ लड़कियों के लिए। ये धागे में बड़ा दम है भाई। अगर कोई भाई इसका मतलब समझते हैं ना, तो निभाना जरूर। और ब्लॉग तो मैं इतने दिन से बना ही नहीं रही थी, कुछ अच्छा ना हो रहा लाइफ में, क्या बनाऊँ मैं, क्या दिखाऊँ आप लोगों को, क्या बताऊँ, कुछ है ही नहीं। तो सोचा इसी को बता दूँ, इसी को दिखा दूँ। तो जो भी बहनें हैं उनसे सिर्फ यही कहना है कि यार गलतियाँ सोच समझ के करना। क्योंकि आप जब सही रहोगे ना, तब भी कोई सही नहीं समझेगा। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है ना कि यार रिश्ते सब दिखावे के होते हैं, कोई रिश्ता नहीं होता, न माँ का, न बाप का, न भाई का, न दोस्त का, न रिश्तेदारी, कोई रिश्ता नहीं होता है सच। जो भी करो अपने दम पे करो, अगर दुनिया में आए हो तो खुद से प्यार करो, खुद के लिए जियो, बट किसी से उम्मीद मत करना, चाहे वो खून का रिश्ता हो चाहे बाहर का हो। तो ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊँगी, मिलूँगी जब कभी अच्छा ब्लॉग बनाना होगा तो। कभी ना कभी तो मेरा पहुँचेगा वीडियो उस तक, तो कहना यही है भाई तू जहाँ भी रहे खुश रहे। लोग राखी का त्यौहार मना रहे हैं और मैं अपने घर के पार्क में बैठी हूँ बिल्कुल अकेली, कोई नहीं है मेरे पास। अकेले रहते रहते ना अकेलापन अच्छा लगने लगता है, फिर लोगों के बीच में बहुत ही घुटन होने लगती है। सोचा तो ब्लॉग में कुछ अच्छा बनाऊंगी आज, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। वो लोग जो बोलते हैं ना जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होते हैं, तो यहाँ वो भी नहीं है, मेरे साथ थे ही नहीं कभी वो। और मैं भ्रम में सोचती रही कि मेरे साथ ऊपर वाला है अगर कोई नहीं है तो, लेकिन कोई ना होता भाई। तो खुश रहो सारे भाइयों, आज रक्षाबंधन है, हैप्पी रक्षाबंधन। जो लोग मुझे बहन मान सकते हैं, मिलेंगे जिंदगी रही तो किसी अच्छे ब्लॉग के साथ, नहीं तो दुआओं में याद रखना।